सीखा तो मैंने बचपन में स्कूल के टाइम में सीखा हुआ है। पहले घर के बच्चों के अपने ही बनाते रहते थे। दादी जी हर जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ बनाती हैं। न्यू बॉर्न्स के लिए स्वेटर्स, टॉयज के लिए स्वेटर्स हैं और होमवर्क और की बहुत सारी चीजें हैं। बच्चों के मोजे बनाने, बच्चों के स्वेटर सेट बनाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। दिल से आशीर्वाद भी निकलता है और प्यार भी। सपोज कोई स्वेटर बनाया दादी ने, जब वो उन्हें पहुंच जाता है और फिर जब लोग अपनी पिक्चर्स डीएम में भेजते हैं ना कि ये हमें मिल गया और हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश होती है वो। दिस इज दी मोटिवेशन। पहले तो बिल्कुल बोर होते थे, कभी मंदिर वगैरह चली गई, कुटिया चली गई, तो फिर उसने ऐसा काम दिखा दिया रास्ता कि अब बोर होने का टाइम ही नहीं मिलता। रिस्क फैक्टर हर जगह ही रहता है, बट उस रिस्क को ओवरकम करना हमारा टास्क होता है। सूनर और लेटर वो सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी। हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू टेक वन इंस्टाग्राम लाइव सेशन। थैंक यू। सो वी आर लाइक ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। तो हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को अपने बारे में कुछ और बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। ये स्टार्ट हुआ लॉकडाउन 2020 नवंबर में, सब बंद था, सारी मार्केट शट थी। मैंने घर से करना स्टार्ट किया और फिर ये रियलाइज हुआ कि दादी बहुत बोर हो जाए, तो शी यूज टू टेल मी अपनी सारी मुझे पुरानी चीजें दे, डिटैंगल देम, ओल्ड मफलर्स एंड टॉप, और उनसे नया बनाती थी वो क्वेश्चन पेपर्स कोस्टर। बस वहीं से आइडिया आया, एक छोटा पेज बनाया और धीरे धीरे रिस्पॉन्स अच्छा मिलना स्टार्ट हुआ कि उससे दादी का भी मन है। ये उन्हीं के शौक और पैशन के लिए स्टार्ट हुआ था। ओके, दैट्स अमेजिंग। ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है कि आपने अपनी ग्रैंडमदर के साथ ये वेंचर स्टार्ट किया, दैट इज रियली ब्यूटीफुल। और जितने भी लोग हमें हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, दे आर ऑल्सो अप्रिशिएटिंग, सब लिख रहे हैं दे आर लविंग नानी जी। तो इससे देख के हमें लग रहा है कि कितना प्यार मिलता है इन्हें और इनके पेज को। थैंक यू सो मच। यस, तो आप प्लीज हमारे ऑडियंस को बताइए कि क्या क्या यूनिक चीजें नानी जी बनाती हैं अपने पे वेंचर के लिए। तो बेसिकली दादी जी हर जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ बनाती हैं। न्यू बॉर्न्स के लिए स्वेटर्स, टॉयज, टीनेजर्स के ब्लैंकेट्स, बेबी ब्लैंकेट्स, टीनेजर्स के लिए स्वेटर्स हैं और होमवर्क और की बहुत सारी चीजें हैं, वॉल हैंगिंग्स, पोस्टर, बड़ों के लिए स्वेटर्स, मफलर। तो बेसिकली कोई चीज कस्टमाइज हो जाती है किसी भी साइज और कलर में। ओके, अमेजिंग। तो ये क्वेश्चन हमारा आपकी ग्रैंडमदर के लिए कि कब से आपने शुरू किया ये सब बनाना? आपने कब से स्टार्ट किया था बनाना? सीखा तो मैंने बचपन में स्कूल के टाइम में सीखा हुआ है। पहले घर के बच्चों के अपने ही बनाते रहते थे, तो ये सब हिसाब किताब था ही नहीं। आ गया मोबाइल, बच्चों को सारा काम आता है, उन्होंने आगे बढ़ा दिया भगवान की कृपा। तो ये दादी ने अपने टाइम पे सीखा था, बट पहले वो फैमिली मेंबर्स और नेबर्स इन सब के लिए बनाती थी। लाइक बचपन में हमारा बचपन इन्हीं के स्वेटर पहन के निकला सारा। Yes, even we have seen your page कि बहुत ही सुंदर चीजें बनाई हैं और जिस तरह से आप डिस्प्ले करते हैं वो तो अमेजिंग है, बहुत ही क्यूट लगता है वो। Thank you so much. Yes, तो I'm sure कि जैसे कि अभी सोशल मीडिया पे आप कर रही हैं अपना ये बिजनेस, तो बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते होंगे इसमें, तो आप कुछ चैलेंजेस बता सकते हैं कि क्या क्या फेस करती हैं आप? हाँ, स्टार्ट किया था तो पेज की बहुत ज्यादा रीच नहीं थी, फॉलोअर्स नहीं थे, तो बहुत ज्यादा ऑर्डर्स भी नहीं आते थे। तो दादी ऐसे स्टार्टिंग में डिसहार्टन हो जाती थी कि लोगों को चीजें अच्छी भी लग रही हैं या नहीं, क्योंकि कोई ऑर्डर ही नहीं प्लेस कर रहा है। फिर उनको समझाया कि मम्मी टाइम लगता है, और धीरे धीरे ऑर्डर्स आने लग गए कि सिर्फ एक दादी के लिए सारे ऑर्डर्स फुलफिल करना ही बहुत मुश्किल हो गया था। तो फिर हमने और दादी नानी देखी जो अब जुड़ के ये बनाती हैं। तो एक बहुत बड़ा मेन चैलेंज जो आता है ये होता है कि जो भी बनाने वाली दादी नानी हैं वो ये सब बहुत ज्यादा यंग एज की नहीं है, लाइक हर एज की काफी हैं जो काफी ओल्ड एज की भी हैं। तो जब ओल्ड एज में आ जाते हैं तो आईज इतनी ज्यादा वर्क नहीं करती, उन्हें ठीक से दिखता नहीं है, थोड़े टाइम बाद आंखों पे स्ट्रेन बहुत ज्यादा पड़ने।
तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि जितना हो पाता है उतना करो, फिर बीच में रेस्ट ले लो। इसलिए जब भी पेज पर ऑर्डर्स भी लेती हूँ मैं, तो कोई ऐसे अर्जेंट के ऑर्डर्स मैं कभी नहीं लेती हूँ कि हमें 2 दिन में चाहिए या 1 दिन में चाहिए, तो वो मैं कभी नहीं लेती हूँ। क्योंकि बनाने वाली ओल्ड है तो हेल्थ पहले, बनने में 15-20 दिन लगेंगे, आप उतना वेट कर सकते हो तो आप ऑर्डर प्लेस करो। ओके, तो जैसे कि आपने बताया कि अकेले करना, अकेले इतने सारे ऑर्डर्स लेना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आपकी कम्युनिटी जैसे आपने बनाई है बहुत सारी ग्रैंडमदर्स को और इकट्ठा करके, तो आपकी कम्युनिटी में टोटल कितने लोग हैं? अभी अराउंड 10 लोग हैं हर एज ग्रुप। ओके, दादीज हैं, यंग हैं, कुछ मदर्स हैं, कुछ दादी। ओके, तो हाउ डू यू डिसाइड ऑन द प्राइसिंग? प्राइसिंग डिपेंड करती है कि कौन सी यान लगी है, कितने एफर्ट्स हैं, कितना टाइम कंज्यूमिंग है वो प्रोजेक्ट, तो उसी के अकॉर्डिंग सारी प्राइस सेट होती है। ओके, तो सबसे रिवॉर्डिंग एस्पेक्ट क्या लगता है आपको कि आप इस एज के लोगों के साथ काम करके, फैमिली मेंबर्स के साथ काम करके, आपके अकॉर्डिंगली सबसे रिवॉर्डिंग एस्पेक्ट क्या है इस काम का? सबसे रिवॉर्डिंग एस्पेक्ट तो मैं दादी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आपको बताती हूँ कि जब भी ऐसा होता है कि सपोज कोई स्वेटर बनाया दादी ने, जब वो उन्हें पहुंच जाता है और फिर जब लोग अपनी पिक्चर्स डीएम्स में भेजते हैं ना कि ये हमें मिल गया और हमें बहुत अच्छा लगा, और रिस्पांस में जब दादी को दिखाती हूँ तो उनके पर जो स्माइल होती है ना, वो खुशी, बहुत खुश होती है वो। दिस इज द मोटिवेशन जो हमें होता है कि बस और आगे बढ़ना है, वो हैप्पीनेस जो दादी के फेस पे, और जो और दादीज भी बनाती हैं वो भी दिखाती हूँ, तो सब बहुत खुश होती है क्योंकि बहुत टाइम पर एफर्ट्स लगते हैं थ्रेड से पूरी चीज बनाना। बहुत ही एफर्ट्स, टाइम कंज्यूमिंग, बहुत मेहनत वाला काम होता है, तो जब ऐसी चीज पसंद आती है ना सबको, तो वो एक सैटिस्फैक्शन जो मिलती है ना कि हाँ पसंद आई, मेहनत सफल हो गई। एग्जैक्टली, तो माय क्वेश्चन टू योर ग्रैंडमदर कि आपको सबसे अच्छा क्या लगता है बनाना, जिसमें आप बहुत जल्दी से और आपको बहुत खुशी मिलती है बनाकर? सबसे अभी तक जितनी चीजें बनाई है सबसे बेस्ट आपका क्या है? सबसे अच्छा बनाना क्या लगता है आपको जो बहुत खुशी मिलती है बनाने में? बच्चों के मोजे बनाने, बच्चों के स्वेटर स्वेटर बनाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चों की टोपियां बनाओ, बड़ी प्यारी लगती है, दिल से आशीर्वाद भी निकलता है और प्यार भी। ओके, तो हमने देखा है बहुत सारे आपके प्रोडक्ट्स ऐसे देखे हैं जो आपने बच्चों के लिए छोटे फ्रॉक्स बनाए हैं, मोजे बनाए हैं, दे आर रियली अमेजिंग, बहुत ही सुंदर है। बहुत ही एक्साइटेड रहती है बच्चों की चीजें बनाने के लिए, बस उनको होता है मैं और नए नए डिजाइन बनाऊं बच्चों के। ओके, तो आपसे यही पूछना चाहूंगी मैं, जैसे कि आपने, आप जॉब भी करती हैं, जॉब के साथ साथ ही बिजनेस भी रन कर रही हैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ, तो बहुत सारे ऑर्डर्स लेना, सबका सुपरविजन करना, क्या कब बन रहा है, कब डिलीवर करना है, इट्स वेरी हेक्टिक, तो आप कैसे मैनेज करती हैं अपनी जॉब लाइफ, फैमिली लाइफ और बिजनेस को? जॉब का तो अभी प्लस पॉइंट है कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से वर्क फ्रॉम होम ही है, तो मेरा ट्रैवल टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है, दिन के 4 घंटे बच जाते हैं क्योंकि 2 घंटे जाना 2 घंटे आना, वो सारा टाइम मेरा स्मॉल बिजनेस में लगता है। प्लस सैटरडे संडे ऑफ होता है तो कुछ यान शॉपिंग करनी है या कुछ भी बाहर से मार्केट काम लाना है, तो वीकेंड्स पे ऑर्डर पैकिंग, वीकेंड्स पे ऑफिस से पहले थोड़ा टाइम मिल जाता है, बीच में ब्रेक्स में बाद थोड़ा टाइम मिल जाता है, बीच में दादी के साथ टाइम स्पेंड हो जाता है, डिसाइड कर लेते हैं रात को बैठ के आफ्टर ऑफिस डिनर के टाइम पे कि अब क्या बनाना है, कैसी चीजें प्लान करनी है, तो धीरे धीरे करके सब मैनेज हो जाता है। ओके, दैट्स रियली ग्रेट कि आप इतना कुछ बैलेंस करके चल रही हैं। यस, तो आप क्या क्या, जैसे कि बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो एकदम से वो बिजनेस हाइप नहीं होता, स्पेशली इंस्टाग्राम पे पेज बनाओ, उसको मार्केटिंग करनी है उसकी, तो आप क्या क्या वेज अपनाती हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए? देखो अभी सिंस ये बहुत ज्यादा अभी ये ग्रोइंग स्टेज पर ही है, तो फॉर नाउ अभी बस ये इंस्टाग्राम पर ही है और किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो इंस्टाग्राम पर टाइमली रील्स और वीडियोस डालना कि रिस्पांस आता रहे, स्टोरीज पोस्ट करना कि पेज एक्टिव रहे, लोगों के रिस्पॉन्सेज आते हैं उन्हें टाइम से रिस्पॉन्स देना, और कई बार क्योंकि जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो काफी लोगों का ये चीज होता है कि पर्सनल टच नहीं रहता है, तो लोगों को ये चीज बिलीव नहीं होती है कि ये पेज फेक तो नहीं है, सच भी है या नहीं, पता नहीं हम पेमेंट कर दें, ऑर्डर आए या ना आए, वो चीज भी रहती है, तो इसके लिए आई पर्सनली मैं
अपनी डिटेल शेयर कर देती हूँ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स की, पर्सनली बात कर लो. तो धीरे धीरे छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज, प्लस इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीजें आ गई हैं, थ्रेड्स और हाउ टू प्रमोट, वो सब थोड़ी थोड़ी फॉलो हो जाती हैं. तो कीपिंग विद द ट्रेंड. नाइस. तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू योर ग्रैंडमदर. तो आपको क्या लगा आपकी लाइफ बिजनेस ये स्टार्ट करने से पहले और अब में क्या डिफरेंस है? आपको कैसा अच्छा लग रहा है? आपको क्या डिफरेंस लग रहा है कि ये बिजनेस से पहले आपकी लाइफ कैसी थी, कैसी है, तो कैसा लग रहा है? पहले तो बिल्कुल बोर होते थे, कभी मंदिर वगैरह चली गई, कुटिया चली गई, तो थोड़ा टाइम पास हो गया, थोड़ा घर का खाने पीने में अपना बच्चों के साथ लगे रहे तो टाइम पास हो जाता था. अब जब लॉकडाउन हुआ तो बिल्कुल घर में बैठना है, कुछ करना ही नहीं, बहुत बोर होती. तो फिर इसने ऐसा काम दिखा दिया रास्ता कि अब बोर होने का टाइम ही नहीं मिलता. अब तो बस लगन प्रेम से अपना काम करती रहती हूँ, मस्त रहती हूँ. और अपना ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपकी एज में अक्सर लोग बहुत बोर होते हैं और आप तो बहुत अच्छा काम कर रही है, एक नया अपने बिजनेस स्टार्ट किए हैं, दैट्स रियली अमेजिंग. और आपको, आप बहुत सारे लोगों को और भी इंस्पायर कर रही हैं, जितने भी लोग इस एज ग्रुप के हैं, कि वो कुछ भी कर सकते हैं, एज कभी मैटर नहीं करती. काफी लोगों के ऐसे डीएम्स आते हैं कि हमने अपनी दादी नानी को आपकी वीडियो दिखाई, अब उन्होंने भी अपना ये पुराना पैशन स्टार्ट किया स्टिचिंग का या क्रोशे का या एम्ब्रॉयडरी का. तो वो चीज सुन के भी बहुत अच्छा लगता है कि इनको देख देख के और लोग भी सीख रहे हैं इस एज में आगे वो सब भी कर रहे हैं, तो सब बहुत खुश होते हैं. Exactly. She is an inspiration for many people out there. Yeah. Yes. तो आपकी, जैसे आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो आपकी जो लोकल कम्युनिटी थी उनका क्या रिएक्शन? लोकल कम्युनिटी, मम्मी जो हमारे, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारे आसपास की जो लोकल कम्युनिटी थी या जो हमारे साथ काम करते हैं उनका क्या रिएक्शन? वो सभी बहुत खुश है. वो भी पहले फोन पे लगी रहती थी किसको फोन करें किसको बात करें, ऐसे में फोन पे ही उनका टाइम ज्यादा पास होता था या सोने में. अब वो कहती है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम फोन करें, हम अपने प्यार से अपने काम में लगे रहते हैं धुन में और बड़े खुश रहते हैं. और उनके बच्चे भी उनसे बहुत खुश है, हाथ में थोड़ा पैसा पुसा आ जाता है, बच्चों को खिला पिला दो, बच्चे अपने आप खुश हो जाते हैं. उनको भी बहुत खुशी मिलती है. इनके साथ साथ बीट नेबर्स, बीट आर रिलेटिव्स, सब बहुत ही ज्यादा प्राउड और सब बहुत हैप्पी फील करते हैं कि इस स्टेज में दादी इतना ग्रो कर रही है, इतना और लोगों को इंस्पायर कर रही है, मेंटली लोगों को इतना हेल्प मिल रहा है. तो एवरीवन इज वेरी हैप्पी. एग्जैक्टली. इवन जब मैंने आपका पेज देखा आई वाज आल्सो सो मच इंस्पायर्ड कि इस एज में भी आके शी इज डूइंग रियली वेरी वेल. यस, हैट्स ऑफ टू हर. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ स्किल जरूर है, बट दे आर नॉट गेटिंग द राइट पाथ. किस तरह से वो स्टार्ट करें, क्या पाथ फॉलो करें, तो आपका उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? सब लोगों को बस एक ही मैसेज कि किसी भी चीज स्टार्ट करने से पहले देखो, रिस्क फैक्टर हर जगह ही रहता है, बट उस रिस्क को ओवरकम करना हमारा टास्क होता है. लेटर, सूनर और लेटर वो सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी. बस ये है कि नेवर गिव अप ऑन एनीथिंग, हैव पेशेंस, कीप डूइंग, कीप ग्रोइंग एंड नेवर गिव अप. राइट, ट्रू. तो आप जैसे कि बिजनेस रन कर रही हैं तो बहुत सारे सोशल मीडिया में चेंजेस भी आती हैं, आप खुद को कैसे अपडेट करती हैं कि जितने भी न्यू डिजाइन आपने बनाने हैं तो कैसे अपडेट करती हैं? इसके लिए एक तो बहुत सारे आजकल जो इंस्टाग्राम पे एवरीथिंग इज अवेलेबल, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, इन सब पे सारी अपडेटेड चीजें आती हैं, प्लस कि नया क्या बनाना है, क्या चल रहा है. प्लस इसके अलावा मेरे से पहले काफी बार तो ऐसा होता है कि मुझे कस्टमर्स के ही मैसेज आ जाते हैं कि ये बन जाएगा या नहीं, वहीं से चीजें काफी अपडेट हो जाती हैं कि ये बनाना है. तो मैम जाने से पहले हमारे ऑडियंस के लिए कोई मैसेज? जाने से पहले आप सबको मैसेज देना चाहोगे? मैं यही कहूंगी कि जो भी काम करना हो, जब कोई भी कला हो, कोई भी काम हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए. लगन और प्रेम के साथ में मेहनत से काम करते रहो, भगवान सफलता अवश्य देता है. ऐसी बात नहीं कि सफलता नहीं होती, लगन और प्रेम के साथ और हार नहीं मानना. अमेजिंग, दैट्स रियली अ ग्रेट मैसेज. जितने भी ऑडियंस हमारे साथ अभी जुड़े हैं, होपफुली आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा सेशन.
बट ड्यू टू सम टाइम कॉन्स्टेंट हमें ये सेशन अभी एंड करना पड़ेगा. थैंक यू सो मच कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला और हमारे साथ कनेक्ट हुए. थैंक यू. इट वॉज अ रियली ग्रेट सेशन. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बाय बाय.